नमस्कार दोस्तों, रोहित स्टडी शिप चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए भूगोल से संबंधित तीसरा पाठ लाया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 1000 प्रश्न का भूगोल का सीरीज शुरू किया हूं, तो इसका ये तीसरा पाठ है। दोस्तों आप इन सब प्रश्नों को अवश्य सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि जो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है उन्ही प्रश्नों पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आप इन सब प्रश्नों को अवश्य सीरियसली लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न एक, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? उत्तर, भारत एवं श्रीलंका। आप ध्यान देंगे, आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। प्रश्न दो, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? उत्तर, रामेश्वरम। आप ध्यान देंगे, भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम द्वीप स्थित है। प्रश्न तीन, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? उत्तर, मासिनराम। आप ध्यान देंगे, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है, जो कि भारत में मेघालय राज्य में है। प्रश्न चार, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन है? उत्तर, एर्नाकुलम। आप ध्यान देंगे, कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। प्रश्न पाँच, प्रायद्वीप में वर्तमान में किस प्रकार की पहाड़ियाँ शामिल हैं? उत्तर, अपशिष्ट पहाड़ियाँ। आप ध्यान देंगे, प्रायद्वीप में वर्तमान में अपशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं। प्रश्न छह, देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियाँ कौन उत्पन्न करता है? उत्तर, हिमालय। आप ध्यान देंगे, देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां हिमालय उत्पन्न करता है। प्रश्न सात, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार है? उत्तर, हिमालय का। आप ध्यान देंगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हिमालय श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार है। प्रश्न आठ, भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों का संगम है? उत्तर, कन्याकुमारी। आप ध्यान देंगे, कन्याकुमारी तीन सागरों का संगम स्थल है। प्रश्न नौ, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम कौन सा है? उत्तर, देवप्रयाग। आप ध्यान देंगे, भागीरथी तथा अलकनंदा देवप्रयाग नदियों का संगम स्थल है। प्रश्न 10, गोंडवाना क्रम की चट्टाने कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर, दामोदर घाटी में। आप ध्यान देंगे, गोंडवाना क्रम की चट्टाने दामोदर घाटी में पाई जाती हैं। प्रश्न 11, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ कब हुआ? उत्तर, जुरासिक युग से। आप ध्यान देंगे, गोंडवाना लैंड के टूटने का प्रारंभ जुरासिक युग से हुआ है। प्रश्न 12, पहाड़ी बागों में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? उत्तर, जुलाई। आप ध्यान देंगे, पहाड़ी बागों में सर्वाधिक गर्म महीना जुलाई का होता है। प्रश्न 13, हिमालय की कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? उत्तर, लघु हिमालय। आप ध्यान देंगे, लघु हिमालय की श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है। प्रश्न 14, बारामूला दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तर, पीर पंजाल श्रेणी में। आप ध्यान देंगे, बारामूला दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। प्रश्न 15, भारत का कौन सा प्राचीन भाग सबसे ऊंचा उठा है? उत्तर, पश्चिम बंगाल की दक्षिणवर्ती पहाड़ियाँ। आप ध्यान देंगे, भारत में पश्चिम बंगाल की दक्षिणवर्ती पहाड़ियाँ प्राचीन भाग का सबसे उठा हुआ भाग है। प्रश्न 16, कायांतरित चट्टानों का क्रम किसे कहा जाता है? उत्तर, बेसाल्टीय चट्टानों को। आप ध्यान देंगे, कायांतरित चट्टानों का क्रम बेसाल्टीय चट्टानों को कहा जाता है। प्रश्न 17, किसे भारत का रूर की संज्ञा दी जाती है? उत्तर, छोटा नागपुर का पठार को। आप ध्यान देंगे, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर की संज्ञा दी जाती है।
प्रश्न 18, रांची का पठार किसका उदाहरण है? उत्तर, उत्तित पेनी प्लेन का। आप ध्यान देंगे रांची का पठार उत्तित पेनी प्लेन का उदाहरण है। प्रश्न 19, मकान हेतु ईंट बनाने के लिए किस मृदा का उपयोग होता है? उत्तर, लेटराइट। आप ध्यान देंगे मकान हेतु ईंट बनाने के लिए लेटराइट मृदा का उपयोग होता है। प्रश्न 20, भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? उत्तर, महाराष्ट्र व कर्नाटक में। आप ध्यान देंगे भारत में लाल पीली मिट्टी महाराष्ट्र व कर्नाटक में पाई जाती है। प्रश्न 21, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? उत्तर, 1953 ईस्वी में। आप ध्यान देंगे केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न 22, किस प्रकार के कोयले को कुकिंग कोयला कहते हैं? उत्तर, एंथ्रासाइट। आप ध्यान देंगे एंथ्रासाइट कोयले को कुकिंग कोयला कहते हैं। प्रश्न 23, जलोढ़ मृदा में किस तत्व की प्रचुरता होती है? उत्तर, पोटेशियम एवं चूना। आप ध्यान देंगे जलोढ़ मृदा में पोटेशियम एवं चूना तत्व की प्रचुरता होती है। प्रश्न 24, भूरा कोयला किसे कहते हैं? उत्तर, लिग्नाइट कोयला को। आप ध्यान देंगे भूरा कोयला लिग्नाइट कोयला को कहते हैं। प्रश्न 25, काल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 1975 ईस्वी में। आप ध्यान देंगे काल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 26, किसे बंगाल का आतंक कहते हैं? उत्तर, जलकुंभी को। आप ध्यान देंगे जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। दोस्तों, जलकुंभी पानी में पाया जाने वाला एक पौधा होता है और उसी को बंगाल का आतंक कहते हैं। प्रश्न 27, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पर प्रभाव डालने वाले कारक में प्रमुख कौन है? उत्तर, वर्षा एवं तापमान। आप ध्यान देंगे भारत में प्राकृतिक वनस्पति पर प्रभाव डालने वाले कारक में वर्षा एवं तापमान प्रमुख है। प्रश्न 28, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है? उत्तर, जलोढ़। आप ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र अधिक है। आप ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र अधिक है। प्रश्न 29, शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? उत्तर, काली मृदा। आप ध्यान देंगे शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा काली मृदा है। प्रश्न 30, मृदा अपरदन में कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित है? उत्तर, राजस्थान। आप ध्यान देंगे मृदा अपरदन में राजस्थान सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। प्रश्न 31, पीट कोयला का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर, दलदलों में। आप ध्यान देंगे पीट कोयला का निर्माण दलदलों में होता है। प्रश्न 32, लेटराइट मृदा में किस पदार्थ की कमी होती है? उत्तर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम का। आप ध्यान देंगे लेटराइट मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। प्रश्न 33, भारत में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब चलाया गया था? उत्तर, 1973 ईस्वी में। आप ध्यान देंगे भारत में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम 1973 ईस्वी में चलाया गया था। प्रश्न 34, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर, नीलगिरी की पहाड़ियों में। आप ध्यान देंगे भारत में चंदन की लकड़ी का वन सर्वाधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। प्रश्न 35, स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उत्तर, उच्च वार्षिक तापांतर। आप ध्यान देंगे स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता उच्च वार्षिक तापांतर है।
प्रश्न 36, कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस का उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? उत्तर गुजरात। आप ध्यान देंगे, कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस का उत्पादन में गुजरात राज्य प्रथम स्थान पर है। प्रश्न 37, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज 1860 ईस्वी में कहाँ हुई थी? उत्तर असम में। आप ध्यान देंगे, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज 1860 ईस्वी में असम में हुआ था। प्रश्न 38, कोयला खानों से कौन सी गैस प्राप्त होती है? उत्तर मीथेन। आप ध्यान देंगे, कोयला खानों से मीथेन गैस प्राप्त होती है। प्रश्न 39, देश का प्रथम तेल शोधक शोधनशाला कौन सी है? उत्तर डिगबोई शोधनशाला, जो कि असम में है और 1901 ईस्वी में स्थापित हुआ था। आप ध्यान देंगे, देश का प्रथम तेल शोधक शोधनशाला डिगबोई असम में है, जो कि 1901 ईस्वी में स्थापित हुआ था। प्रश्न 40, हीरा एवं ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? उत्तर कार्बन का। आप ध्यान देंगे, हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। तो दोस्तों, ये भूगोल का तीसरा पार्ट पूरा होता है। इसके बाद मैं भूगोल का चौथा पार्ट बना करके अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा सहयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।